हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन मुंडे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना की पापड़ी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। पर इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, पर अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी साबूदाना की पापड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। तो चलिए फिर फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। साबूदाना की पापड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी साबूदाना। यहाँ मैंने साबूदाना को मिक्सी में 3 से 4 बार अच्छे से पीस लिया था। हमें इसका बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार करना है, क्योंकि अगर हम बारीक पाउडर इसका रेडी नहीं करेंगे तो जैसे ही हम पापड़ियों को ऑयल में डालेंगे वो फट जाएंगी। और साथ में अच्छी क्रिस्पीनेस के लिए डालनी है 1/2 कटोरी मैदा। आप चाहें तो इसकी जगह आटा डाल सकते हैं। अब हमें इसमें डालनी है 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़्यादा ना डालें, क्योंकि गर्मियाँ हैं और इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और साथ में ही 1/4 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी आप 1/4 छोटी चम्मच ही डालें, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा डाला तो ये पापड़ी को कड़वा कर देंगी। और 3 चम्मच ऑयल, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। और इन सभी मसालों को हमें आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इस आटे में डालनी है 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटी चम्मच नमक। आप मिर्च और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। अब हमें इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसे मसल मसल लेना है सारे आटे को, ताकि जो ऑयल हमने डाला था वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। तो मोइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं एक लड्डू की तरह आटा जो है बन रहा है, यानी हमने जो मोइन इसमें डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। डो हमें सॉफ्ट ही तैयार करना है, जैसे कि हम चपाती के लिए करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइट डो इसका रेडी करेंगे तो पापड़ी जो है वो बनेंगी नहीं, वो फट जाएंगी। डो हमारा रेडी हो गया है। अब हमें इस पर डालना है 1 चम्मच ऑयल, ताकि जो इसके ऊपर की लेयर है वो सूखे ना। और इस डो को हमें रेडी करने के लिए 1 कप से ऊपर थोड़ा पानी लगा है। अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो भी बिल्कुल सेट हो गया है। अब करते हैं पापड़ी बनाने की तैयारी। तो उसके लिए हमें लेना है एक चकला बेलन, और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ताकि जो पापड़ी हम तैयार करें वो इस पर चिपके ना। अब हमें थोड़ी थोड़ी लोइयां लेनी है इस तरीके से, और इसे चकले पर रखकर रोटी की तरह बेलना है। यहाँ मैंने चपाती को बेल लिया है। अब हमें इसकी पापड़ी तैयार करनी है, तो उसके लिए हमें लेना है एक जार का ढक्कन। यहाँ मैं इस तरीके का ढक्कन ले रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह कोई कटोरी या गिलास भी ले सकते हैं। अब हमें इस ढक्कन को चपाती के बीच में रखना है और उसे प्रेस करना है, और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटाकर डो में रख देना है, क्योंकि इसकी भी हमने पापड़ी तैयार करनी है। इसी तरीके से हमने सारे डो की पापड़ी रेडी करनी है। तो सारे डो की हमने पापड़ी तैयार कर ली हैं। अब हमें इन पापड़ियों को फ्राई करना है। पापड़ी फ्राई करने के लिए हमें एक कढ़ाई में ऑयल लेना है और उसे मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने थोड़ा सा आटा लेना है और ऑयल के अंदर डालना है। तो आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ की बबल्स इसमें आ रही हैं, यानी ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हमने जो पापड़ी रेडी करी थी वो इसके अंदर डाल देनी है। इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करना है। पापड़ी को फ्राई करते समय हमने ध्यान रखना है कि हमने 5 मिनट तक बिल्कुल भी पापड़ी में झरनी नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो पापड़ी काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, वो ऑयल में ही टूट जाएंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं
हल्का सा पापड़ी का कलर भी चेंज हो गया है और वो ऊपर ऑयल के आ चुकी हैं, यानी हमारी जो पापड़ी हैं वो नीचे से हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं। बस अब हमें इसी स्टेज पे इन्हें उलट पलट कर हल्का ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। पापड़ी को 6 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्राई होते हुए, तो पापड़ी हमारी रेडी हो गई है। अब हमें इसी स्टेज पे इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है और इसी तरीके से बाकी की पापड़ी को भी फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और शुरुआत के 5 मिनट हमें बिल्कुल भी पापड़ी में झरनी नहीं लगानी है। तो इतना हमारी पापड़ी फ्राई हो रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इधर हमारी जो पापड़ी है वो भी फ्राई हो चुकी हैं, तो आप गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और सारी पापड़ियों को टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो साबुदाना पापड़ी रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती हैं। अब जब भी आपका हल्का फुल्का खाने का मन करे या फिर चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेने का मन करे तो आप इन्हें बनाएं और इन्जॉय करें।